क्या नाम है आपका? रामचंद्र पटेल, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ का अध्यक्ष हूँ मैं जी। और आज इस आंदोलन में पिछड़ा समाज बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। क्या है क्रीमी लेयर जिसकी वजह से ये पूरा आंदोलन हो रहा है, पूरा भारत बंद का ऐलान 21 अगस्त को किया गया है? देखिए, क्रीमी लेयर का तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनको क्रीमी लेयर ये लगा रहे हैं, क्या नॉन क्रीमी लेयर के लिए शिक्षा की व्यवस्था की है? आप चले जाइए ग्रास रूट पे, जिनके पास पहनने के कपड़े नहीं हैं, पेट भरने के रोटी नहीं है, उनको आप आरक्षण की बात करते हैं, और जो MBBS IAS IPS या इस तरह की पढ़ाई पढ़ ले रहे हैं उनको आप क्रीमी लेयर में डाल दे रहे हैं, और जिनको आप नहीं दे सकते हैं उनको कहते हैं हम आरक्षण देंगे। आप ये बताइए, राजनीति में आरक्षण है? राजनीति की जो चुनाव है कितना महंगा है जी, आप बताइए, महंगा है कि नहीं महंगा है? क्या वो चुनाव लड़ सकता है रिजर्वेशन सीट से? क्या उस ग्रास रूट पे जिसके पास प्राइमरी शिक्षा से ऊपर की शिक्षा मिली नहीं रही है, आप शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए पहले कि शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए, कि उस ग्रास रूट पे जो गरीब तबका है जिसके पास शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है उसको शिक्षा दें, तब तो आकर के आरक्षण का लाभ पाएगा, कैसे पाएगा? आप क्रीमलेयर और नॉन क्रीमलेयर करके हमारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, बांटना बंद कर दें। अब ये बहुजन समाज जागृत हो चुका है, समझदार हो चुका है। आप शिक्षा पे सुमोटो नहीं लेते हो? शिक्षा पे सुमोटो ले, आप शिक्षा पे सुमोटो नहीं लोगे और आप आरक्षण पे सुमोटो ले लोगे, उसको स्वतः संज्ञान ले लोगे? आपको लेना चाहिए था, शिक्षा पे लेना चाहिए था। पहले उनको शिक्षित करो जिनको आप देना चाहते हो, जिनको आप आरक्षण का लाभ देना चाहते हो उनको शिक्षित करो, उनको आप शिक्षित कर नहीं पा रहे हो, वो व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं आप उसके लिए डायरेक्शन गवर्नमेंट को कर नहीं पा रहे हैं कि गवर्नमेंट निचले पायदान तक उस शिक्षा को ले जाए, जो उस शिक्षा पाएँ अगर वो शिक्षित होंगे निश्चित है उनको भागीदारी मिलेगी, और इसी 21% में भागीदारी मिलेगी। आपको बांटने की जरूरत नहीं है, आप तो बांट करके हमें लड़ा रहे हैं और उससे वंचित कर रहे हैं। आप ये बताइए, 20 पोस्ट निकली, 20 पोस्ट में जो बंटवारा कर रहे हैं उधर 50% ले लीजिए, इधर 27 ले लीजिए, इधर 21 में फिर अनुसूचित जात को ले लीजिए, फिर जनजात को पोस्ट कहाँ मिलेगी? मिलेगी नहीं, पोस्ट नहीं मिलेगी। तो आप बंटवारा क्यों कर रहे हो? कम से कम जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनको आप देना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं वो उसमें पा जाएंगे, इनको क्लिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, इनको बंटवारा करने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो हमारे अधिकार को तहस नहस करके और हमारे समाज को बांट करके ये डिवाइडेशन रूल पैदा कर रहे हैं, फूट डालो और राज करो। और ख़ास करके हमें न्यायपालिका में भागीदारी चाहिए, और न्यायपालिका न्यायिक क्या कहते हैं आयोग गठित होना चाहिए जिसमें हमारे लोग भी पहुँचें। जब हम रहेंगे नहीं तो हम अपनी बात कैसे कर पाएंगे? आप तो मनमानी जो है ऑर्डर जारी कर दोगे, डायरेक्शन जारी कर दोगे, हमें लड़ा दोगे। आज लड़ा दिया हमें, तो हमें लड़ाए नहीं, हमें अधिकार दें, हमें सम्मान दें, हमें शिक्षा दें, और हम ऊपर आएंगे तो निश्चित है कि हम अपना अधिकार ले लेंगे, हम अपने में ही बांट लेंगे, इनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें उस लायक बनाएं, बनाने की व्यवस्था करें, और बनाने के लिए गवर्नमेंट को कहें कि आप शिक्षा ग्रास रूट तबक ले जाइए, उस तबका के पास ले जाइए जिस तबके को अधिकार नहीं मिल पा रहा है। भारत बंद का फैसला जो है, ये भारत बंद का फैसला सही है कि आप इसको दुकानें बंद करना, रोडों को जाम करना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये क्या इसकी ज़रूरत थी करने की? नहीं, देखिए आपको बता दें, जब 1 तारीख को फैसला आया, 1 तारीख को फैसला आया, हमारे कुछ पार्लियामेंट मेंबरांस, कुछ सामाजिक संगठन, जंतर मंतर पे इसका प्रदर्शन भी हुआ, प्रधानमंत्री जी संज्ञान में लिए, 15 तारीख तक पार्लियामेंट चलने का प्रस्ताव था, आप 9 तारीख को स्थगित कर दिया, जैसे मामला है क्यों कर दिया भाई? आप 15 तारीख तक चला करके और आप पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाते, पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाकर पारित करके और न्यायपालिका को कहते हैं कि इस निर्णय को वापस लीजिए, ये निर्णय समाज हित में नहीं है, क्यों नहीं किया आपने? ये तो हमें मजबूर किया ना।
और रही बात जहाँ तोड़ने फोड़ने की प्रदर्शन की, तो हम शांतिपुर आप लखनऊ बता दीजिए कहीं तोड़ फोड़ हुआ नहीं कहीं हुआ है, लेकिन पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जो है पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। भाई देखिए ऐसा एक चीज़ आप बता दें, ये हमारा समाज कभी इस लायक नहीं था और न है कि अधिकार तो पा नहीं रहा है और मारपीट करेगा। डरता हुआ समाज डरता है ये कभी कर सकता है? हाँ उसमें हो सकता है डिस्टर्ब करने के लिए कुछ लोग प्लानिंग के तहत पहुंच करके वहाँ डिस्टर्ब कर दिए होंगे, पुलिस लाठीचार्ज कर दी होगी और उसमें मारे हमारे ही लोग गए होंगे, वो डिस्टर्ब करने वाले नहीं मारे गए होंगे, जो मार खाए होंगे वो हमारे लोग ही मार खाए होंगे। ये साजिश के तहत प्लानिंग के तहत कराई जाती है, हमारे लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है वहाँ मारपीट और लड़ाई झगड़ा करेंगे, पुलिस से मोर्चा लेंगे, वो नहीं ले सकते। लखनऊ जैसी राजधानी में हिम्मत नहीं पड़ी तो और जगह कैसे करेंगे? यहाँ तो हम लोग सतर्क रहे, यहाँ भी कुछ लोग घुस आए थे, एक दो लोगों को हम लोगों ने पकड़ करके भगाया, यहाँ भी चाहते थे कि यहाँ भी ऐसा कुछ हो जाए, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश किया, अभी यहीं परिवर्तन चौक पे कोशिश किया लोगों ने, उनको पकड़ा, उनको पकड़ करके भगाया गया, हम लोग एक दो थप्पड़ भी मारे, तो करते हैं लोग, किए होंगे लोग, वहाँ जगह बवाल हुआ होगा, तो करने वाले भी वही जिम्मेदार हैं, हमारे लोग जिम्मेदार नहीं हैं, ये व्यवधान पैदा करने वाले ही हैं। हमारे लोग तो नंगे भूखे लोग हैं, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वो पाई नहीं रहे हैं तब से मारपीट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? मैं शैलेश कुमार दानू, प्रदेश संगठन सचिव, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच। क्या है ये भारत बंद? आप यहाँ पर आज परिवर्तन चौक पर यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना हो रहा है, इसमें आप क्यों आए हैं, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि 1 तारीख को जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश पारित कर दिया, वहाँ से जो है फैसला कर दिया कि जो SC ST में जो है इसका वर्गीकरण किया जाएगा। वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि इनको जो है कई भागों में बांट दिया जाएगा। मेरा सबसे पहला जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी डिसीजन सर्वोच्च न्यायालय जब लेता है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन लिया है वो राजनीतिक पार्टियाँ लेती हैं। राजनीतिक पार्टियाँ अगर बांटने का काम करें तो कहीं ना कहीं से समझ में आता है कि भाई राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो अपने फायदे के लिए कुछ कर रही हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए लोग और वो भी 7 माननीय न्यायालयों की खंडपीठ अगर बैठ कर वहाँ पर जो है वर्गीकरण की बात करती है, उसको फैसला करती है, वो सबसे ज़्यादा दुखद है। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर हम उम्मीद और आशा रख सकते हैं तो हमारे देश की न्यायपालिका, और न्यायपालिका से अगर ऐसे देश पारित होते हैं जहाँ पर बांटने की बात की जाती है ना कि जोड़ने की, ये हम सब भारतवासियों के लिए बहुत दुख की बात है। क्योंकि वर्गीकरण का मतलब ये हो गया कि 22% हमारे पास आरक्षण है, 15% SC के पास है और 7.5% जो है ST के पास है। अब भैया आप ये बताइए कि 22.5% आरक्षण जब सब लोग मिलकर नहीं ले पा रहे हैं, आज तक 22.5% आरक्षण आज तक लागू नहीं हुआ, जो आज से कम से कम 70-80 साल हो रहे हैं, 70-80 साल से जो आज तक 22% आरक्षण लागू नहीं हुआ, वो अब क्या होगा जब सबको भागों में बांट देंगे, जब हमारी आपकी ताकत जब खत्म हो जाएगी तब क्या वो हमको आरक्षण देंगे? जब हम ताकत में तब तो मिल नहीं रहा है, भैया समझिए हमारी बात, जब हम लोग सब लोग ताकत में है तब तो हमको 22.5% आरक्षण मिल नहीं रहा है, लेकिन जब हमको सबको आप लोग को जब अलग अलग कर देंगे तो हमको क्या, क्रीमी लेबर कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? बहुत सी ऐसी जातियां हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं। अरे जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो ये नहीं सोच रहे हैं कि जब 50 करोड़ों आदमी मिल के जो है अपनी मांगे नहीं बनवा पा रहा है तो ये जो अलग अलग कर दिया जाएगा तो ये, और दूसरी बात ये क्रीमी लेयर के तहत अगर जो बच्चे आज 5 साल के हैं या 4 साल के हैं, जब वो 20-25 साल में कहीं योग्य होंगे तब उनको उस क्रीमी लेयर का लाभ मिलेगा। क्रीमी लेयर का लाभ कैसे मिल सकता है उनको? क्योंकि आज जो उस लायक है, जैसे हम लायक है तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तभी तो उस लायक बनेगा वो, और जब हमारा ही जो वो घर में एक ही आदमी उसका फायदा उठा सकेगा तो बच्चों को कहाँ तक के फायदा पहुँचा पाएंगे? ये बड़ी समस्या है और यहाँ पर लड़ने की इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आज अगर हम लोग सब लोग मिलकर इसका विरोध नहीं करेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विरोध नहीं करेंगे और उनके जो उन्होंने फैसला किया है उसको अगर नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में ये पूरी तरीके से जो है यहाँ की व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो जाएगी। आरक्षण के नाम पर, आरक्षण की बात करते हैं, एक बात और बता रहे हैं आपसे हम, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 15% आरक्षण है,
7% जो है ST के पास चला गया, 27% चला गया OBC के पास, 2% चला गया अल्पसंख्यक के पास, 49.5% आरक्षण ये ST OBC माइनॉरिटी के पास है। और सोचने वाली बात है कि अभी 2014 में ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सिर्फ जो है 50% आरक्षण ही आपको मिल सकता है, किसी भी समाज को 50% ज़्यादा से आरक्षण नहीं मिल सकता है। तो 50% आरक्षण में 49.5% आरक्षण हमारे ST OBC माइनॉरिटी के पास है, और 50% जो आरक्षण और जो सवर्ण कास्ट के लोग हैं इनके पास जो है इस समय 60% आरक्षण है। अभी बीच में जो है इन लोगों ने अपना जो है मांग पत्र दिया था, उनका मांग पत्र दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सदन में जो सांसद ने उनको पास कर दिया, इस समय उनके पास जो है 59.5% आरक्षण है। मतलब सोचने वाली बात है, देश का एक जो बड़ा तबका, देश का एक बड़ा तबका जो 80-85% है उसके पास है 49%, और देश का एक जो है छोटा तबका जो 10-15% है उसके पास है 60%। सबसे बड़ा न्याय तो हम लोग के साथ यही हो रहा है, और ऊपर से हम लोग को बांटने की बात कर रहे हैं। ये लोग जो जितने अपर कास्ट के लोग हैं ये सब अपनी रोटी बेटी का दान करके आपस में मिलजुल के और इधर उधर से जोड़ के अपने आदमी ऊपर ऊपर बैठाल के ये अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, और फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ को या छोटे जात के लोगों को उनको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एक ही मंशा रही है कि जो एक आदमी शासन करे एक आदमी उनकी गुलामी करे। जो गुलामी प्रथा चली आ रही थी ये उसी गुलामी प्रथा को फिर से लागू करना चाहती है ये वर्तमान सरकार हो चाहे न्यायपालिका हो। बस न्यायपालिका से एक हमको उम्मीद है कि इसको ख़त्म करे, और राइट टू इक्वालिटी के तहत अगर अनुच्छेद 14 के तहत इसने ये फैसला सुनाया है तो राइट टू इक्वालिटी में जो है ये चीज़ नहीं आता है कि एक को पूरा तुम मतलब बांट दो, ख़त्म कर दो, नष्ट नाबूद कर दो, एक को तुम बढ़ावा दो। इसलिए भैया प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस फैसले को वापस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम सबके हक हकूक की लड़ाई है, अगर इस लड़ाई को हम लोगों ने नहीं जीता, इस फैसले को अगर माननीय सांसद द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत बड़ा जो है समस्या हम पूरे देश के ऊपर आने वाली है। 21 अगस्त भारत बंद का जो ऐलान किया गया था उसको लेकर के यहाँ पर एक प्रदर्शन किया गया है, परिवर्तन चौक पर हम इस वक्त मौजूद हैं जो लखनऊ की राजधानी में है और लखनऊ के सेंटर भी कहा जाता है परिवर्तन चौक। यहाँ पर ये प्रोटेस्ट हुआ जहाँ पर इन्होंने अपनी मांग रखी, ST OBC के समाज के लोग यहाँ पर थे, इन्होंने अपनी मांग रखी, जो इनकी मांग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश 1 अगस्त को पारित हुआ था, 1 अगस्त को वहाँ से जो पास हुआ था, 7 जजों की बेंच ने जिस आदेश को पारित किया था, क्रीमी लेयर नाम का वो आरक्षण का फैसला था जिसको लेकर के ये पूरा फैसला आया, जिस पर इन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी। 21 अगस्त का इन्होंने चुना भारत बंद के लिए, जगह जगह पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है। आज यहाँ लखनऊ में इन्होंने अपनी बात रखी, साथ ही आपने विजुअल में देखा होगा किस तरीके से इन्होंने अपना ज्ञापन भी यहाँ पर पुलिस वालों को सौंपा, पुलिस अधिकारियों को इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा, अपने मांग पत्र में इन्होंने इनकी क्या मांगे हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने सौंपी वहाँ पर, और आपने इनकी बातें सुनी कि क्रीमी लेयर क्या है, इनकी मांग क्या है, 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान क्यों किया गया, और जो जगह जगह जो उपद्रव हो रहा है भारत बंद के दौरान, जगह जगह जो हिंसा हो रही है, जो भी आगजनी की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, इनका कहना है कि वो घटना इनके लोगों के द्वारा नहीं की जा रही है, वो उन शरारती तत्वों द्वारा की जा रही हैं जो इन्हें बदनाम करने की, इन्हें परेशान करने की बात वो जो है करते हैं, वो लोग यहाँ पर आ गए थे। और इन्होंने ये भी दावा किया कि यहाँ पर जो ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें भी 2-3 शरारती तत्व आ गए थे जिन्होंने यहाँ पर उपद्रव करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनको चिन्हित किया गया, उनको पहचान लिया गया और उन्हें फिर वहाँ से अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच में से उनको हटाया गया, जिससे किसी भी तरह की कोई अराजकता ना फैले, किसी भी तरह का कोई हिंसा ना हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली। आपने पूरी जो है चीज़ें समझी कि क्या है ये क्रीमी लेयर और क्यों आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। आप देख रहे थे लिमरा न्यूज़, कैमरामैन ताहा के साथ मैं सैयद मोहम्मद हसन।